तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पहला मैनमेड केमिकल चेंज देखा था कंबशन ऑफ फ्यूल आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग दूसरा मैनमेड केमिकल चेंज देखेंगे ये लेकिन उससे पहले दोस्तों ये केमिकल चेंज समझने से पहले कुछ बातें आपको यहां पर समझनी जरूरी है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सी ओ थ्री होता है ये सी ओ थ्री को बोलते हैं कार्बोनेट इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोनेट और जो एच सी ओ थ्री होता है ये एच सी ओ थ्री को बोलते हैं बाय कार्बोनेट ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ओके ये हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है तो फिर दोस्तों सी ए सी ओ थ्री क्या हुआ सी ओ थ्री मतलब कार्बोनेट तो ये सी ए सी ओ थ्री क्या हुआ सी ए मतलब कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है फिर दोस्तों ये जो है देखिए ये एन ए टू सी ओ थ्री का मतलब क्या हुआ एन ए मतलब क्या सोडियम सोडियम सी ओ थ्री मतलब कार्बोनेट तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट ठीक है ये क्या हुआ सोडियम कार्बोनेट अब दोस्तों यहां पर टू क्यों आया हुआ है ये वैलेंसी में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फाइव में ठीक है क्यों आया है देखिए टू क्योंकि सोडियम की वैलेंसी है एक और सी ओ थ्री की बैलेंसी अब तक आपको नहीं पता है अब ध्यान में रखिए दोस्तों सी ओ थ्री की बैलेंसी है दो तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं ना सोडियम एन ए टू क्या हो जाएगा एन ए टू हो जाएगा और सी ओ थ्री क्या हो जाएगा वन इसीलिए यहाँ पर एन ए टू सी ओ थ्री आया हुआ है फिर यहाँ पर सी ए सी ओ थ्री यहाँ पर सी ए की यहाँ पर टू क्यों नहीं है क्योंकि दोस्तों देखिए कैल्शियम की बैलेंसी भी दो है और सी ओ थ्री की बैलेंसी भी टू है तो अगर यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का तो क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सी ए यहाँ पर मिलेगा टू और सी ओ थ्री के सामने भी आपको मिलेगा टू ठीक है ओके तो ये नंबर को हम क्या करते हैं मिनिमम होल नंबर रखते हैं ना चैप्टर नंबर फाइव में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ चुके हैं तो हम क्या करेंगे इसको टू से डिवाइड करेंगे तो जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा तो फाइनल जो फार्मूला है वो आपको मिलेगा सी ए सी ओ थ्री ठीक है इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है सी अब ये क्या बताइए देखे दोस्तों ये क्या है ये क्या है देखिए एन ए एच सी ओ थ्री एन ए एच सी ओ थ्री का मतलब क्या है दोस्तों एच सी ओ थ्री मतलब क्या है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट तो एन ए एच सी ओ थ्री मतलब क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट इसका मतलब क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट ठीक है ओके अब दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही लाइम है इसी को लाइम बोलते हैं और शाहबाद टाइल जो होती है ना शाहबाद फर्श जो होती है ठीक है उसको उसके अंदर ये लाइम होता है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है ओके लाइम कैल्शियम कार्बोनेट को आप लाइम भी बोलते हैं और ये शाहबाद टाइल जो होती है ना उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है फिर दोस्तों तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या है जो वॉशिंग सोडा होता है आपके घर में वॉशिंग सोडा ठीक है ओके वो वॉशिंग सोडा मतलब ही सोडियम कार्बोनेट है वही एन ए टू सी ओ थ्री है और सोडियम बाई कार्बोनेट क्या है दोस्तों घर पे जो आपके बेकिंग सोडा होता है ना केक में वगैरह जो डालते हैं वो बेकिंग सोडा ही सोडियम बाय कार्बोनेट है तो बेकिंग सोडा का भी और बाय कार्बोनेट का भी ऐसे आप ध्यान में रखिए ठीक है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है और बेकिंग तो सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा आपको आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको तो दोस्तों इतनी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो गई हैं तो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है सबसे पहले तो आपको पता है कि एसिड के अंदर अगर आप बेस मिक्स करोगे एसिड के अंदर अगर आप बेस मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको दो चीज़ें मिलेंगी पहला मिलेगा आपको सॉल्ट और दूसरा मिलेगा आपको वाटर इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तो इस रिएक्शन के साथ साथ एक और रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है वो रिएक्शन क्या है कि एसिड के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मिक्स करोगे ना बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट अगर आप मिक्स करोगे एसिड के अंदर तो आपको तीन चीज़ें मिलने वाली हैं वो तीन चीज़ें क्या हैं पहली चीज़ तो सॉल्ट मिलेगा आपको फिर दूसरी चीज़ मिलेगा वाटर ये दो चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ठीक है तो जब भी एसिड के अंदर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आप मिक्स करोगे ना तो आपको तीन चीज़ें मिलने वाली हैं सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो दोस्तों ये दूसरा जो केमिकल चेंज है मैनमेड केमिकल चेंज क्लीनिंग ऑफ शहाबाद टाइल विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको समझने के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी था इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इस केमिकल चेंज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों सबसे अगली वीडियो में धन्यवाद चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए